दोबारा मेरी बात नहीं मानी ना आपने भाई, तो आपके हाथ में बांध दूंगी। मिताली भाभी मौसी को बाहर रखिए, वरना इसी से किसी को मार देंगे। मैं क्यों? मिताली भाभी रखे। क्वाची, किसी का क्या, अगर इसने मुझसे पहले पोछा उठा लिया ना तो मुझे ही मारेगा उससे। छोड़िए भाई, छोड़िए। ये लीजिए, मेरा रूम खराब करके रखा है, इलेक्ट्रिशियन को फिर से बुलाना पड़ेगा। वो घर छोड़कर गई है ना, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाली है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है इस घर में। गायत्री चली गई तो घर का काम कौन करेगा? एक बार उससे बात करके देखो। कोई बात करने की जरूरत नहीं, बीजी ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगी। कैसे? अरे बीजी ने उससे कहा है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, उसको हमारा साथ देना चाहिए, उसका इस घर में आना उसका भाग्य था, कुछ इस तरह से करके उसका ब्रेन वॉश किया है उन्होंने। ऐसी बातें करके प्रज्ञा का दिमाग खराब किया था ताकि वो घर वापस आ जाए। पर तुम्हारे होते हुए प्रज्ञा घर वापस आएगी कैसे? अभी प्रज्ञा के बारे में नहीं, गायत्री के बारे में सोचो। अगर वो चली गई तो रोज रोज नया केयर टेकर कहां से ढूंढेंगे? अरे डरो मत भाई। ताई जी डरना पड़ रहा है। ये जो सर्वेंट्स घर छोड़ के जा रहे हैं ना, ये बाहर जाके अभी का अवतार सबको बताएंगे और फिर कोई भी नौकर यहाँ पे देखेगा भी नहीं। अगर वो गायत्री यहाँ होती भी ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वो तो अभी से बड़ी वाली पागल है। पता है हमारे यहाँ तो वैसी कोई नौकरानी चले जो वो पुरानी फिल्मों में होती ना बहन जी टाइप की। हाँ बहन जी टाइप से मुझे प्रज्ञा याद आ गई, है ना वो बिल्कुल बहन जी टाइप। मतलब वो है ना यहाँ होती तो अभी की ऐसी हालत देखी उससे तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं था। वो ऐसे सती सावित्री बन के अभी के सामने खड़ी रहती और उसकी सेवा करती रहती और अभी ना उसे। मिताली भाभी प्रज्ञा के बारे में नहीं गायत्री के बारे में सोचो, मैं जाके बात करती हूँ। बात करने तो गई है, कहीं कुछ मैसअप ना कर दे। उनकी ऐसी हालत नहीं देख सकी मैं। अगर किसी ने मुझे इस हाल में देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं और फिर आलिया मुझे वापस अरेस्ट करवा देगी और मैं उनका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। आज यहां से चली जाती हूँ ताकि सबको लगे मैं डर के और भाग गई, नहीं गई तो शक हो जाएगा सबको। हमें पता चल गया है तुम्हारा,